Subscribe to Computer TechMate's channel and press the bell icon for more computer-related tech videos. क्या हाल है, पूरे एक महीने के बाद इस चैनल पर वीडियो आ रहा, कंडीशन कुछ ऐसा था और अब वीडियो रेगुलर देखने को मिलेगा और आज का वीडियो टेक डोज आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गया इस हफ्ते के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ का आपको डोज देने के लिए। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपको न्यू इंट्रो भी देखने को मिलेगा। नीचे कमेंट बताना कि आज का इंट्रो कैसा लगा और अब यही इंट्रो रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले, अगर आप रेगुलरली टेक डोज देखना पसंद कर रहे हैं तो सॉरी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद टेक डोज आया है। सब कुछ रेडी हो चुका था लेकिन कल को किसने देखा है और पापा चले गए। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते कंप्यूटर टेक न्यूज़ लाता रहता हूं। तो सबसे पहला अपडेट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10X को रीब्रांड कर रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, विंडोज़ 10X विंडोज़ 10 का थोड़ा लाइट वर्जन है OS का, और माइक्रोसॉफ्ट इसके ऐप्स को रीब्रांड कर रहा है ताकि विंडोज़ 10X का जो UI है उसमें आपको फास्ट इम्प्रूवमेंट, फास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिले। और इसको लेकर माइक्रोसॉफ्ट कुछ ऐप्स को भी विंडोज़ 10X से हटा देगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10X पर कोर्टेना ऐप का एक्सपीरियंस को हटाने वाला है। इससे क्या होगा कि विंडोज़ 10X का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फास्ट स्टार्टअप होगा, आपको परफॉर्मेंस फास्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कई सारे डिफॉल्ट ऐप्स जो विंडोज़ 10 में आते हैं उसको विंडोज़ 10X पे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का टीम, टू डू लिस्ट, अलार्म क्लॉक, कैलकुलेटर, मूवीज, म्यूजिक, मैसेजिंग, पीपल, ये सारे जो ऐप्स हैं इन सारे ऐप्स को विंडोज़ 10X में ऑप्टिमाइज करके दिया जाएगा ताकि विंडोज़ 10X का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्लो ना हो। अगला बड़े फ्रेंड्स, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका फाउंडर है टीम बर्नर्स-ली, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो इन्होंने अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया जहाँ यूजर्स के प्राइवेट डेटा को सिक्योर रख पाएगा, सेफ रखेगा। और क्योंकि फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी कंपनी का जो डेटा है वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितना भी सेफ क्यों ना हो, किसी न किसी वे से लीक हो ही जा रहा है। तो यह प्लेटफॉर्म, यह स्टार्टअप आपके प्राइवेट डेटा को, यूजर्स के इंपॉर्टेंट डेटा, जो प्राइवेट डेटा होता है उसको सेफ रखेगा। और इसको लेकर गवर्नमेंट्स और कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स के डेटा को सेफ रखने में, सिक्योर रखने में हेल्प करेगी। अगला बड़े फ्रेंड्स, रेजर कंपनी ने अपना न्यू गेमिंग लैपटॉप रेजर बुक 13 को लॉन्च कर दिया है। और जहाँ तक कुछ लोगों को पता हो तो रेजर कंपनी स्पेशली गेमिंग को, गेमर्स को टारगेट करके अपने जितने भी सारे गैजेट्स और लैपटॉप को लॉन्च करती है। और ये रेजर बुक 13 को भी गेमिंग को देखते हुए, गेमर्स को देखते हुए लॉन्च किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इस रेजर बुक 13 लैपटॉप में आपको 13.4 इंच का स्लिम बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और यह लैपटॉप i7 और i5 प्रोसेसर के साथ तीन तरह के मॉडल में लॉन्च किया गया। इसका जो बेस मॉडल है जिसमें आपको i5 प्रोसेसर, 256 GB SSD, 8 GB रैम देखने को मिलेगा, इसका प्राइस स्टार्टिंग होता है 83,000 समथिंग। और बाकी के जो दो मॉडल है रिजर्व बुक 13 में, उसमें आपको 512 GB SSD और 16 GB रैम वेरियंट वाला देखने को मिलेगा, और उसमें भी i5 और i7 दोनों वेरियंट में है। और यह लैपटॉप लॉन्च हो चुका है, आपको यह लैपटॉप रेजर के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल सकता है। नीचे लिंक मैं दे दूंगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको इस रेजर बुक 13 लैपटॉप के बारे में डिटेल में जाननी हो तो। अगर अपडेट में जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में लाइटिंग को लेकर या मेरे ऑडियो को लेकर कोई इशू दिख रहा है तो नीचे कमेंट में बताना ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि मैं किसी तरह से जल्दी में इस छोटे से जुगाड़ सेटअप कर मैंने वीडियो देने की कोशिश की है। तो अगला अपडेट फ्रेंड्स, मोजिला फायरफॉक्स की तरफ से, मोजिला फायरफॉक्स का जो डेस्कटॉप वर्जन में जो 84 वर्जन है, लेटेस्ट अपडेट है, उसमें आप मल्टीपल पिक्चर इन पिक्चर मोड में वीडियोस देख पाएंगे। मोजिला फायरफॉक्स अब सारे यूजर्स के लिए एक साथ कई सारे वीडियोस पिक्चर इन पिक्चर मोड में देखने का फीचर ऐड कर दिया है। पहले मोजिला फायरफॉक्स का जो लेटेस्ट अपडेट था उसमें आप सिंगल पिक्चर इन पिक्चर मोड में वीडियो देख पाते थे, लेकिन अब मोजिला फायरफॉक्स का जो 84 वर्जन है उसमें आप मल्टीपल वे में पिक्चर इन पिक्चर मोड में वीडियोस देख पाएंगे। लेकिन यह जो फीचर है ये बाय डिफॉल्ट नहीं रहेगा, इसमें आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके बाद आप मल्टीपल वे में पिक्चर इन पिक्चर मोड में वीडियोस देख पाएंगे। और एटलीस्ट आप 4 से 6 वीडियोस एक साथ इस अपडेट के साथ डेस्कटॉप पर मोजिला फायरफॉक्स में देख सकते हैं। अगला अपडेट फ्रेंड्स, ओप्पो की तरफ से, ओप्पो अगले साल टैबलेट और नोटबुक लॉन्च कर सकती है। ओप्पो का स्मार्टफोन मार्केट कैसा है और किस तरह का चल रहा है आप सभी लोग जानते हैं। आप जैसे ही मार्केट में निकलेंगे चारों तरफ से ओप्पो ओप्पो का ही बैनर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ओप्पो अपना वियरेबल डिवाइस, सारे गैजेट्स और स्मार्ट टीवी को भी लॉन्च कर चुका है। लेकिन अब ये न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि ओप्पो अगले साल
अपना टैबलेट और नोटबुक लॉन्च कर सकती है, ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ अगले साल आपको ओप्पो कंपनी का टैबलेट और नोटबुक देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक आप मार्केट को देखेंगे तो एम आई ने भी अपना एम आई नोटबुक 14 को लॉन्च किया, तो हो सकता है ओप्पो भी अगले साल अपना टैबलेट और नोटबुक को लॉन्च कर दे, क्या पता। अगला अपडेट है विंडोज़ 10 हैक हो चुका है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, विंडोज़ 10 हैक तो हुआ है लेकिन ये कंपटीशन में हुआ है, चाइना का सबसे बड़ा और प्रोफेशनल हैकिंग कंपटीशन जहाँ कई सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर को हैक किया गया जिसमें विंडोज़ 10 भी शामिल था। और ये एक कंपटीशन होता है जहाँ कई सारे प्रोफेशनल वाइट हैकर्स जो गवर्नमेंट के लिए जो अच्छे काम के लिए काम करते हैं वो कई सारे सिस्टम को कई सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर को हैक करके दिखाते हैं, जिसका हैकिंग मेथड जिसका हैकिंग आइडियाज यूनिक होता है बेटर होता है उसे रिवॉर्ड भी दिया जाता है। और इस बार का जो चाइना का हैकथॉन था हैकिंग को लेकर, इसमें विंडोज 10 iOS 14 Adobe PDF रीडर गूगल क्रोम सफारी मोजिला फायरफॉक्स इन सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर को हैक करके दिखाया गया। अगला अपडेट फ्रेंड्स, Asus ने अपने जिनबुक और व्यूबुक लैपटॉप को अपडेट किया इंटेल के 11th जनरेशन टाइगर लेक प्रोसेसर के साथ, जो कि इंटेल का अब तक का लेटेस्ट प्रोसेसर है। और इससे पहले Asus ने जेनबुक और व्यूबुक लैपटॉप को अपडेट कर चुका था इंटेल के 10 जेनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर के साथ, जो कि बेस्ट सेलिंग लैपटॉप रहा। और अब जाकर Asus ने इस लाइनअप में व्यूबुक अल्ट्रा 14, अल्ट्रा 15, अल्ट्रा K15 और जेनबुक 14 को अपडेट किया इंटेल के 11th जेनरेशन टाइगर लेक प्रोसेसर के साथ। और इसके अलावा इस जेनरेशन के लैपटॉप में भी आपको 10 जेनरेशन की तरह ही स्लिम लैपटॉप देखने को मिलेगा और फास्टर रैम बेटर परफॉर्मेंस और फास्टर कूलिंग सॉल्यूशन और एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ आता है। जेनबुक 14 लैपटॉप में आपको 14 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसमें 300 निट की ब्राइटनेस पीक दी हुई है। और इस लैपटॉप में आपको 11th जेनरेशन टाइगर लेक कोर i7 प्रोसेसर 16 GB DDR4 रैम और 512 GB SSD के साथ आता है। इसके अलावा इसमें आपको Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5 देखने को मिलेगा जो 67 वाट की बैटरी के साथ आने वाला है। उसके बाद वीवो अल्ट्रा K15 लैपटॉप में आपको 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें 11th जेनरेशन टाइगर लेक कोर i7 प्रोसेसर के साथ कोर i3 और कोर i5 ये तीनों प्रोसेसर के वेरिएंट में आता है। इसमें आपको 8 GB DDR4 रैम 512 GB SSD देखने को मिलता है जिसे आप 1 TB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा K15 में आपको Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5 देखने को मिलेगा और जो 42 वाट की बैटरी के साथ आता है। ये चारों लैपटॉप आपको Asus की वेबसाइट पर जाकर देखने को मिल सकता है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू जाकर इससे डिटेल में जान सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइस को लेकर। और लास्ट अपडेट फ्रेंड्स, Acer ने अपना पहला यूनिक गैजेट इंडिया में लॉन्च कर चुका है। ये कोई लैपटॉप नहीं है, Acer का पहला एयर प्यूरीफायर Acer प्योर कूल, जो कि एक 2-in-1 एयर प्यूरीफायर और सर्कुलेटर है जो कमरे के हवा को साफ करने के लिए 3-in-1 हेपा फिल्टर का यूज करता है। और यह कार्बन एक्टिवेटेड है और सिल्वर कोटेड। और फ्रेंड्स, Acer कहना है कि यह एयर प्यूरीफायर 99.97% वाले मॉलिक्यूल्स जो 0.3 माइक्रोन वाले होते हैं उसको फिल्टर कर सकता है। और इस एयर प्यूरीफायर में आपको इंडिकेटर भी मिलेगा रेड येलो और ग्रीन, जो आपके कमरे का हवा का क्वालिटी बताएगा कितना अच्छा है और कितना खराब। तो बस फ्रेंड्स, ये था इस हफ्ते का टेक बिट्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है और आपका सपोर्ट चाहिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं, इस वीडियो के लाइटिंग या ऑडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अब वीडियो रेगुलर आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।